बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के रहमत फजल शुक्र के साथ जी आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। जी सुबह सुबह गांव में आए थे, गंदम को पानी लगाना था और इसलिए पानी लगाने हम आए हैं और इंजन ने पानी नहीं उठाया और हम पानी तो ऊपर से डाल रहे हैं ताकि पानी उठाए। इंजन के आजकल के वक्त के मुताबिक इंजन हमारा भी शोरे पर लगा हुआ बाहर बनता और बनने के बाद धक्का लगा जोर ले रहा था और स्टेज मुझे नीचे आना पड़ा। नीचे आने के बाद मैंने बेल्ट खींचना शुरू किया और ऊपर से चक्कर इससे ईजी आ गया और ये हमारा इंजन स्टार्ट हो गया था और उसने पानी मैस्टा निकाल दिया। पहले पानी ही था निकाल रहा जी, जब पानी जा रहा जैसे जैसे और आगे काफ़ी ज़्यादा घास आ गया था और ये घास हम हटा रहे हैं ताकि पानी का लोड ना बने और पानी ईजीली आगे आ जाए। पानी पीछे से बहुत ज़्यादा घास हो गया था कि टाइम नहीं था कि हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम घास इसका तरह उठा लेते, बट कोई नहीं अभी हम इससे देखे पानी इधर से कितना स्लो में आ रहा है। पानी इधर आके बड़ा स्लो स्लो हो गया, तकरीबन इंजन को चले के 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हमने घास उखाड़ा हुआ इधर से इतने वाई पे स्लो स्लो पानी तेज़ हो जाएगा क्योंकि अंदर घास वगैरह है ना, इसलिए रुकावट नहीं किसी चीज़। आगे की तरफ पानी जाएगा, देख रहे होंगे पानी बहुत स्लो आ रहा है, जैसे आगे की तरफ आएगा स्पीड और स्पीड जाएगा, पानी की स्पीड पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ये देखिए भाग रहा पानी फुल स्पीड में, इसी तरह से रुकने की जगह नहीं मिल रही, बहुत स्पीड में जा रहा है। बाकी इंशाल्लाह हम आएंगे एक टाइम निकाल के और फिर हम इधर तक पानी को साफ करवाएंगे और इंशाल्लाह फिर बेहतर साफ हो जाएगी। ताकि ये आखिरी पानी था हमने लगाना था गंदम को, इधर आ गया घास इसलिए और फिर स्लो और लेट हो गए। हम गांव आए थे इसलिए मैं अब मैंगा जल्दी है पानी में, पानी भी आ गया घास भी जो हो सका वो अब उतार रहे हैं। वैसे कितनी देर बाद साफ करना चाहिए था, हो जाएगा मुश्किल तो है पर हो जाएगा, थोड़ा सा रहेगा। हाँ जी धूप बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा धूप है जिसकी वजह से काम बहुत मुश्किल, रुकावट ही था सर। पानी इन देर भी लगा जाती है ना, पानी नहीं आया था तब तीन तीन चार चार घंटे किले पीछे लग जाते हैं, मसला हो रहा है। यानी कि तीन तीन चार महीने तक इन्हें दोबारा साफ करना चाहिए था। बिल्कुल हाँ जी, इनके राज रुकावट नहीं आती किसी भी चीज की। अच्छा लीक वगैरह या वैसे पानी घट जाएगा, ये भी था ना। चलो अल्लाह खैर करेगा, जारी बात है मकई भी लगी उन्होंने। बाकी अल्लाह खैर कर सी अगे हाँ जो उसे बहुत ज्यादा सी है इतने भी है पर इतने इन्ना ज्यादा नहीं है, घाटे वाद है। हाँ जी अच्छा, यानी कि हुन ये बंद करने का मकसद यह कि जिन्हें पानी का लाभ पूरा हो जाएगा फिर स्पीड ना जाएगा। जी ये देखे पानी लीक हो रहा है, पानी का प्रेशर इधर से ज़्यादा हो गया था और पाइप धूप की वजह से नरम होना चाहिए पर ये पाइप इधर से लीक हो गया, पानी सारा वो कचरा कचरा होके भी नीचे जा रहा बहुत ज़्यादा। पहले बहुत ज़्यादा लीक हो गया था, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया, बाकी रुक गया है। देखे जी बकरी मज़े ले रही है धूप में, उनके छोटे छोटे बच्चे गर्म और धूप का मज़ा ले रहे हैं।
पानी निकालते थे, शाम हो गई थी और अब्बू का फ़ोन आया कि ताए तेरे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन जल्दी आ जाओ, उनकी तरफ जाना है। और जैसे हम पहुँचे हैं ताया बहुत ज़्यादा बीमार थे और बहुत ज़्यादा ही बीमार थे, बुखार हावी हो गया था और बस बोल नहीं रहे, बस यही कह रहे थे जिस्म सारा दर्द कर रहा है और कुछ नहीं। दवाई भी ली है और दवाई बहुत अभी ले नहीं रहे थे क्योंकि कुछ खाया नहीं, और हम दलिया वगैरह बना के लेके गए हैं और दलिया अभी खिलाएंगे थोड़ी देर तक और दवाई मेडिसिन देंगे। अभी उन्हें दर्द हो रही थी जिस्म को, मुठियाँ वगैरह बाहर हैं, मैं अबू जान और मम्मा जान ही गए हैं। अबू जान कुछ बातें वगैरह कर रहे हैं और ताया बात वगैरह कर रहे, ताया अभी सो रहा और बस उनका जिसम सारा दर्द कर रहा है, अभी कोई बात वगैरह नहीं कर रहे। चले जैसे इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर, अल्लाह सेहत देगा उन्हें और जैसे वो ठीक होंगे और दवाई मेडिसिन वगैरह लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं होगा, अल्लाह सेहत देगा इन्हें इंशाल्लाह। हां जी तबीयत किवें दी है की जी? तो दवाई नहीं ली तुसी? नहीं गई कल। तो फिर उन लगला जरा जुकाम ओ उधर तरह हो गया। अच्छा फिर की किया? ओहो जो सब आपने सर लगा दी है उसके साथ। माशाल्लाह हमारे ताया जान पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो गए हैं, अल्लाह पाक का लाखों करम है। और हम जो चक्रवा